हमने इससे पहले जो दो तीन टॉपिक पीछे का है अध्याय वन का हम पढ़ा चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आकाश गंगा और तारों की नदी। नेक्स्ट टॉपिक है आकाश गंगा और तारों की नदी है, यहाँ से पढ़ेंगे आज हम लोग। यहाँ से है कि इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएँ भी हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएँ भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रात रास्ते रास्ते में, यहाँ रास्ता है लिखा हुआ, रास्ते रास्ते की तरह, यहाँ पर है रास्ता की तरह, तो रास्ते की तरह दूर तक असंख्यक तारों फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना प्रकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे आकाश गंगा कहा जाता है। पूछेंगे कि आकाश गंगा किसे कहा जाता है? तो असंख्यक तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह, आकाश में जो है प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि असंख्यक मतलब गिना न जा सके, असंख्यक मतलब क्या हुआ, गिना न जा सके, असंख्यक तारे, इतना तारा है, और वो तारे जो है फैली हुई है, चौड़ी है, चमकदार है, चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकदार रूपों में पट्टी में फैली हुई है आकाश में। और कल्पना किया जाता है कि आकाश में जो प्रकाश फैली हुई दिखाई देती है वो बहती नदी की तरह दिखाई देती है, वो बहती नदी की तरह दिखाई देती है, उसको ही क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। अब है कि सप्तऋषि मतलब सात तारों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। सात तारों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि का। जैसे कि हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं, सत भैया, सात भाइयों को क्या कहते हैं, सत भैया, वही है सप्तऋषि है, तारों का समूह है। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में सात तारों का एक समूह नजर आएगा। रात में अगर देखना उठ के तो उत्तर दिशा, उत्तर किधर है, इधर है, तो उत्तर दिशा में उठ कर देखोगे तो सात गो तारा जो है एक लाइन में रहेगा, ऐसे रहेगा एक लाइन में सात गो तारा। और ये सात गो तारा जो एक लाइन में रहता है, उस सात तारा को किस नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में सात तारों का एक समूह नजर आता है। उत्तर दिशा में सात तारों का एक समूह नजर आता है, और इस समूह को ही क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। और भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों का नाम पर किया गया है। ये उत्तर के दिशा में सात तारा जो एक समूह बनाकर रहता है, उसको सप्तऋषि तो कहा जाता है, लेकिन सप्तऋषि क्यों कहा जाता है, तो उस सात तारों के समूह को सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस सभी तारों को ऋषियों के नाम पर नामकरण किया गया है। किसके नाम पर, ऋषियों के नाम पर नामकरण किया गया है सारों सात तारों को, इसीलिए उस सारों तारों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। और वह सात ऋषि तारों का नाम जो ऋषियों पर नाम पड़ा है वो कौन कौन नाम है, सो देखिए, पहला नाम है, क्या नाम है, पहला भाई का नाम है रितु, क्या नाम है, दूसरा का नाम है पुलह, क्या नाम है, पुलह, तीसरा का नाम है पुलस्त्य, क्या नाम है, पुलस्त्य, चौथा का नाम है अत्रि, छठा, पांचवा का वरिष्ठ, छठा का अंगीरा, सातवां का मरीचि, सातवां का मरीचि। तो यही कहा गया कि उत्तर दिशा में सात तारों का जो समूह दिखता है, उस सातों तारों समूह का जो नाम है उसको किस नाम से जानते हैं, सप्तऋषि के नाम से। और सप्तऋषि को जो है, सप्तऋषि को, उस तारों सातों को जो है सप्तऋषि के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस सारे सात तारों का नाम जो है ऋषियों के नामों पर पड़ा है। अब बता देगा ना कि हम जो पूछेंगे कि उत्तर दिशा में जो सात तारे का समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि। तो हम पूछेंगे ठीक है सप्तऋषि के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन सप्तऋषि के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि उसका नाम ऋषियों के नाम पर पड़ा है। जैसे कि पहला था रितु, दूसरा था पुलह, तीसरा था पुलस्त्य, चौथा था अत्रि, पांचवा वरिष्ठ, छठा अंकिरा, और पांचवा सातवां
मरीचि नाम है। और यूनानियों ग्रंथों में इसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलोना एटा एवं जेटा कहा जाता है। भारतीय विद्वानों ने क्या किया कि सप्त ऋषि को जो है तारो समूह को जो है ये ऋतु पुलह पुलत से अति इस समय जो ऋषियों के नाम पर जो नाम रखा है वो कहाँ के विद्वान रखे हैं तो भारतीय विद्वान रखे। कहाँ के विद्वान रखे हैं? भारतीय विद्वान रखे। कहाँ के विद्वान? भारतीय विद्वान। लेकिन वो उत्तर दिशा में जो सात तारों का समूह है उस तारों को समूह को ही यूरेशिया के आदमी मतलब यूनानी के आदमी जो है यूनानी ग्रंथों के विद्वान जो है वो भी नाम रखे हैं। तो वो लोग उस समूह को क्या नाम रखे हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलोन एटा एवं जेटा कहा गया। क्या कहा गया है? जेटा। जेटा कहा गया है। अब ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक करता है। मिलाने पूछेंगे कि उत्तर दिशा का सूचक जो है कौन सा रेखा करता है तो ऋतु एवं पुलह रेखा करता है। कौन सा करता है? ऋतु एवं पुलह रेखा करता है जो उत्तर दिशा को सूचक करता है। उत्तर दिशा को सूचक करता है। उत्तर दिशा को सूचक करने वाली कौन कौन सी रेखा है तो ऋतु और पुलह मिलाने वाले रेखा को उत्तर दिशा का सूचक कहा जाता है। अब यहाँ ध्रुव तारा के बारे में पढ़ेंगे कि यह स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो कैसा तारा है? स्थिर तारा। ध्रुव तारा कैसा तारा है? स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित है। यह ध्रुव तारा जो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुव तारा जो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित है। किस अक्ष पर? पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। और ये ध्रुव तारा जो है किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुव तारा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ध्रुव तारा कैसा तारा है? स्थिर तारा है। ध्रुव तारा कैसा तारा है? स्थिर तारा है। इसके बाद है कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई देती है। क्षितिज मतलब क्या होता है? ऐसे होता है, सोया हुआ ऐसे दिखाई दिया। उसको क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। तो अगर ध्रुव तारा को हम विषुवत रेखा पर से खड़ा होकर अगर हम देखते हैं तो हमें वह ध्रुव तारा कैसे दिखाई पड़ती है? क्षितिज दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? क्षितिज दिखाई पड़ती है विषुवत रेखा पर। किस पे? पर किसी भी स्थान से देखने पर विषुवत रेखा पर अगर हम खड़ा होते हैं किसी भी स्थान पर वहां से अगर हम ध्रुव तारा को देखते हैं तो ध्रुव तारा हमें ध्रुव तारा जो है कैसे दिखाई पड़ती है? क्षितिज दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? क्षितिज दिखाई पड़ती है। परंतु जो जो हम ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं तो क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है और क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का छांस भी उतना ही डिग्री होगा। समझिए। तो विषुवत रेखा से अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव तारा की ओर देखते हैं तो हमें जो है क्षितिज मतलब सोया हुआ दिखा देता है। लेकिन उसी क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री बढ़ेगी उस अशांत का स्थान से विस्तार भी क्या होगा? वो बढ़ते जाता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। और यह ध्रुव तारा जो है किस दिशा में दिखता है? उत्तर दिशा में दिखता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाभिकों को समुद्र उत्तर दिशा का ज्ञान करवा रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाभिकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। नाभिकों मतलब जो नाव चलाता है उसको जो है हमेशा किसका ज्ञान करवाता है? उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। किस काल में? प्राचीन काल में ज्ञान नाभिकों को जो है समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा कि उत्तर दिशा जो किस दिशा में है? प्राचीन किस दिशा? तो नाभिकों को बताया कि ये उत्तर दिशा आप लोग इस दिशा में और चला सकते हैं। नाव चलाए हुए देखा है ना कभी? वही बोल रहा है कि चला सकते हैं। इसका बाद है कि तारों के अपना अपना इस पर देखो बच्चा पर ध्यान नहीं देना है। इधर है कि तारों के कई विशेष समूह होते हैं। तारों का सिर्फ सात समूह नहीं होते हैं, तारों का कई समूह होते हैं। तभी तो इसका नाम जो है अलग अलग पड़ा है। ईरोसाई के अनुसार जो है
यूनानी ग्रंथ के अनुसार सात नाम जो पड़ा है तो अल्फा बीटा गामा पड़ा है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में जो इसका नाम पड़ा है उसका क्या पड़ा है, पुलह पड़ा है, ऋषि पड़ा है, ऋषियों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। इसके बाद है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है और ऐसे समूह की संख्या 12 है। कितने हैं? 12 है। तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह जो होते हैं 12 होते हैं। यदि हम राशि भी कहते हैं, मतलब जब सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उस समय जो है तारों का समूह बनता है। जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य के तारों का विभिन्न समूह, समूह जानता है ना, समूह नहीं जानता है, मतलब कहीं पर 5 आदमी लंबत बैठ गया, इस प्रकार से लंबत बैठ गया, यहाँ पर 5 आदमी है, कभी कभी कहीं कहीं पर 5 आदमी ही इस प्रकार से बैठा तो क्या हुआ, ये सब समूह हो गया। कहीं पर ऐसे बैठ जाता है 5 आदमी, 2 आदमी ऐसे, 2 आदमी ऐसे, ये सब क्या हुआ, समूह हुआ। तो इस प्रकार से जो बैठ जाता है इस समूह को ही, इसी प्रकार से तारा सभी समूह बनाकर बैठता है। इसी प्रकार से कैसे बैठेगा, 12 तरीका है बैठने का। कितने तरीका है? 12 तरीका। और वह 12 तरीका जो है बैठने का तारों के समूह को, उस समूह को क्या कहा जाता है, राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राशि कहा जाता है। इसलिए पूछे ये कि राशियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राशियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। पूछेंगे कि राशि किसे कहा जाता है, तो तारों का जो समूह बनता है 12 समूहों में, उस समूह को ही क्या कहा जाता है, राशि कहा जाता है। और वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं, उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों का नाम दिए गए हैं। और ये 12 राशि जो है, इन 12 राशियों का भी नाम दिया है। तो वो 12 राशियों का नाम क्या क्या है, पहला का नाम मेष है, दूसरा का नाम वृष है, तीसरा का नाम मिथुन है, चौथा का कर्क, पाँचवा का सिंह, छठा कन्या, और सातवा तुला है, आठवा वृश्चिक, नौवा धनु है, और ग्यारहवा मकर है, और बारहवा जो कि कुंभ और मीन है। क्या है? कुंभ तथा मीन है। कुंभ तथा मीन है, समझी। राशियों की कितनी संख्या है? 12। 12 का नाम याद हुआ नहीं हुआ? चलो याद करो। मौसे मिथुन, ऐसे याद करो। मौसे मेष, मौसे मौसे मिथुन, मौसे मिथुन, मौसे मीन, मौसे मौसे मकर। देखो मौसे जो है 4 राशि है। कितने राशि है? 4। मौसे जो है कितने राशि है? 4 राशि है। मौसे कितने राशि है? 4 राशि। देखो कौन कौन है, मौसे हो गया, एक मौसे हो गया मेष, दूसरा का हो गया मिथुन, तीसरा को हो गया मकर, चौथा हो गया मीन, चौथा मीन। अब बताओ कि 12 राशि में से 4 को याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ। तो मौ से 4 का जो नाम होगा, 4 राशि का क्या नाम है? तो ये ऐसे देखो, पूछेंगे कि 12 राशि का नाम बताओ, तो ऐसे याद रखेगा। सबसे पहले याद रखो कि 4 को जो नाम होगा 12 राशि में से, वो मौ से ही है। तो बोलेंगे कौन कौन है बताओ, तो मौ से हो गया मेष, इसके बाद है मौ से हो गया, दूसरा मौ से हो गया मिथुन, तीसरा से हो गया मकर, चौथा से हो गया मीन। अब देखो कैसे याद रखेंगे। कौ से क्या गो है, कौ से जो है 3 नाम है। कौ से क्या गो नाम है? 3। कौ से हो गया कर्क, कर्क। इसके बाद कन्या, कन्या। इसके हो गया कुंभ, कुंभ। तो कौ से क्या गो नाम है? 3। कौन कौन? कर्क, कर्क, कन्या, कन्या, कुंभ, कुंभ, कर्क, कर्क, कन्या, कन्या, कुंभ। और मौ से क्या गो नाम है? 4। कौन कौन? मेष, मिथुन, मिथुन, मकर, मकर, मीन, मीन। तो यहाँ पर बताओ कि 4 को इधर, 3 को इधर, क्या को याद हुआ? 7। तो 12 राशियों में से हमको क्या को याद हो गया है? 7 को याद हो गया है। अब आगे देखिए, ठीक है, हमको 7 को तो आराम से याद हो गया कि 4 को जो होगा मौ से, या 3 को जो होगा कौ से। अब अगला देखो, व से जो है क्या गो है? 2 है। और से व से क्या गो है? य र ल व जो होता है, य र ल व जो होता है, व से क्या गो नाम है? 2 गो। य से क्या गो नाम है? 2 गो। तो व से क्या हो गया? व से हो गया वृष, वृष। व से क्या हो गया? वृष। और दूसरा से वृषक, वृष और वृषक, वृष और वृषक, वृष और वृषक, वृषक, वृष और वृषक। अब ये 2 को भी याद हो गया,
तो सात गो तो याद हो ही गया था, दो और याद हो गया, क्या हो गया? नौ गो हो गया। अब क्या गो बचा है? तीन ठू बचा है। तीन ठू में देखो, एगो ध से है तो पहले याद रखो तुला, क्या याद रखेंगे? तुला। तो में ही ध आता है ना, तो में क्या आता है? ध आता है, इसलिए त तो से क्या हो गया? तुला। और ध से क्या हो गया? धनु। ध से क्या हो गया? धनु। इसके बाद तौथा के बाद सौ योरो लबा आता है और उसमें सौ आता है। इसके बाद सिंह हो गया, क्या हो गया? सिंह हो गया, क्या हो गया? सिंह। अब बताओ कि बारियों राशियों का नाम याद हुआ? जी याद हुआ। चलिए बताइए अब आप लोग कि मौ वाला क्या को होगा? ऐसे देखिए ट्रिक पर याद किया, हम बताते हैं। चार है? वो हाथ कला पकड़े थे तो बोल ना। अब आ जाए, देखो मौ वाला चार गो है, कौ वाला क्या गो है? तीन गो है। वो वाला क्या गो है? दो गो है। तो तौथा में ही ध आता है। इसके बाद हो गया सौ। तो बताओ चार तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पूरा बताओ। तो मौ से कौन कौन है बताओ, चार गो नाम बताओ, कौन कौन सा है मौ से? मौ से क्या गो है? चार। चार गो है। मौ से क्या गो है? चार। कौ से क्या गो है? तीन गो है। वह से क्या गो है? दो गो है। एक हो गया तो, इसके बाद हो गया ध, इसके बाद हो गया सौ। तो मौ से हो गया, मौ से हो गया मेष मिथुन। उंगली पर निकालो, उंगली निकालो, ऐसे बोलो। एक मौ से हो गया मेष, दूसरा हो गया मिथुन, तीसरा हो गया मकर, चौथा हो गया मीन। तो मौ वाला तो खत्म हो गया, मेष मिथुन मकर मीन, मेष मिथुन मकर मीन, मेष मिथुन मकर मीन। याद हुआ चार ठू। अब होगा क से क्या होगा? तीन गो। तो क से हो गया कर्क, क से कर्क, क से कन्या, क से कुंभ, क से कन्या, क से कुंभ। देखो इसको कैसे याद रहेगा? करकरा जाएगा चूड़ी किसका? कन्या सबका। आ कन्या सब कौन बनता? कुमारी ही महिला बनता है। तो क से कुंभ, तो क से कुमारी, तो क से कुंभ। इसलिए क से तीन गो कौन कौन नाम रहेगा? क से कर्क, क से कन्या, और क से कुंभ हो गया। और व से क्या गो रहेगा? दो गो। व से वृष, वृषक, वृष और वृषक, वृष और वृषक, वृष और वृषक। इसके बाद हो गया तौथा। तौथा में क्या आता है? ध आता है। इसलिए तौ से क्या हो गया? तुला। तो से क्या हो गया? तुला। तो से क्या हो गया? धनु। सौ से क्या हो गया? सिंह। अब बारह राशि याद हुआ? ठीक, बारह राशि हम तो याद करवा दिए हैं, कल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, समझे ना? बारह राशियों का याद करके लाना है। अब है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। पृथ्वी के चारों ओर जो है विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या कितनी है? 27 है। जिनकी संख्या कितनी है? 27 है। और राशियों कितने थे? 12। राशियों कितने थे? 12। और राशि जो है कि कितने राशि जो है वो तारों का समूह जो बन गया था, 12 आकार में बन गया था, उसको ही क्या कहते हैं? तारों का समूह को ही क्या कहा गया था? तारों का आकार जो 12 समूह में बट गया उसको ही राशि कहा गया था। और 12 राशि का नाम हम लोग याद किए हैं। अब है कि चांदों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है, और इन तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। पूछेंगे कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। राशियों की संख्या कितनी है? 12। राशियों की संख्या कितनी है? 12। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। और पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समुदाय होते हैं, जिस संख्या को ही 27 होते हैं। और चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है, और इन तारों को समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं। पहला नाम है अश्विन। क्या नाम है? अश्विन। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रता, पूर्ण प्रिशा, पुरुषे, अश्विलेना, मेघा, पूर्वा, फाल्गुनी,
उत्तरता उत्तरा फाल्गुनी हस्त हस्त मतलब हथिया। बारिश जो होता है तो नहीं सुनने को मिलता है कि हथिया बरसे रहा है, वही है हस्त मतलब हथिया। चित्रा बारिश होता है तो अक्सर लोग क्या कहते हैं चित्रा चढ़ा है, इसलिए चित्रा। स्वातित विशाखा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठ मूलक पूर्वा आषाढ़। पूर्वा आषाढ़ मतलब लोग आषाढ़ महीना नहीं बोलता है, वही आषाढ़ है, इसका उत्तरा आषाढ़ हो गया। क्या हो गया उत्तरा आषाढ़। श्रवण श्रवण मतलब सावन मास जो चढ़ता है उसको लोग श्रवण होता है। क्या होता है श्रवण होता है। घनिष्ठा होता है, सतभिषा होता है, पूर्वा भाद्रपद होता है, होता है। 27 नक्षत्र को हम लोग क्या करेंगे ट्रिक पर याद करेंगे। आज तो नहीं कल ही हम ट्रिक बता देंगे, आज वैसे ही बता देते हैं। तो अब बताओ कि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेता है, और एक नक्षत्र जो होता है कितने दिन का होता है 14 दिन का होता है। एक नक्षत्र कितने दिन का होता है 14 दिन का होता है, और प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेता है 14 दिनों में पार कर लेता है। कितने एक नक्षत्र कितने दिनों पार कर लेता है 14 दिनों में। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि जो होती है वो 14 दिनों की होती है। नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है 14 दिनों की होती है। ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध होता है, मतलब नक्षत्र जैसा चढ़ेगा वैसे ही मौसम में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नक्षत्र और मौसम में क्या होता है गहरा संबंध होता है। जैसे कि सावन आया तो सावन आते ही क्या होता है बारिश शुरू हो जाता है। सावन आते ही क्या होता है बारिश। इसीलिए मौसम और नक्षत्र में क्या होता है गहरा संबंध होता है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देकर दूसरे नक्षत्र मौसम की पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष परंपरा ही लगा लेती है। मतलब अभी इसमें समय बारिश हो रहा है तो जो ज्योतिष सब होगा अनुमान लगा लेगा कि अगला मौसम में जो है इस प्रकार का, मतलब इस साल बारिश हो रहा है तो अगला साल जो है कि बारिश इस महीना में होगा इस महीना में नहीं होगा, इस साल अकाल पड़ा है तो अगला साल अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये चीज़ अनुमान लगा लेते हैं नक्षत्र को देखकर ही। मौसम और इसको नक्षत्र को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालतम एवं रहस्यों का पता लगा और उसने नई नई जानकारियाँ मिली, वह काफ़ी खुशी घर लौट रहा था। खत्म हो गया। अब कौन सा बच्चा दिखाइए आगे। यह अध्याय 1 का सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न अभ्यास दिया गया है इसको हम अलग से अलग वीडियो में देखेंगे। सारा प्रश्न अभ्यास इसका क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा।